हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोग का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि भैया हमें बताइए कि जो जेई की कोचिंग चलती है प्रयागराज में, तो उनके बारे में बताइए कि उनकी फीस वगैरह क्या चलती है एंड बैच का टाइमिंग वगैरह कितना रहता है एंड बैच का ड्यूरेशन कितना रहता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं इंजीनियर्स एकेडमी जो कोचिंग है प्रयागराज की जो शाखा है उसके बारे में हम आप लोग को बताने वाले हैं एंड जो है उसका फीस स्ट्रक्चर बताएंगे कि किस तरीके से आपको फीस वगैरह जमा यानी कि कितनी जमा करनी है और इनके जो है कोर्स की ड्यूरेशन है कितना होता है और कौन कौन सी क्लासेज यहाँ पर चलती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा एंड चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग को बताया कि आज के इस वीडियो में हम इंजीनियर्स एकेडमी जो प्रयागराज की शाखा है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें जानकारी के लिए, इनकी जो है कई सारी ब्रांचेज चलती हैं जिसमें से उत्तर प्रदेश में जो है आप लोग की 4 ब्रांचेज चलती हैं। आपकी लखनऊ में चलती हैं, उसके बाद इलाहाबाद में चलती हैं, आई थिंक शायद कानपुर में चलती है और आगरा में चलती है। ये 4 जगह इनकी ब्रांचेज चलती हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो है इनका जो है कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है, इनके कोर्स का ड्यूरेशन होता है 8 से 9 महीने होता है। यहाँ पर जो है कौन कौन सी ब्रांच की जो है जेई की क्लासेज चलती है, तो यहाँ पर सिविल की चलती है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल की एंड जो है मैकेनिकल की। तो ये जो है हम बता रहे हैं जो कोर्स की ड्यूरेशन होती है, लगभग सभी कोर्स चाहे आप मैकेनिकल में एडमिशन लेते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल, चाहे आप सिविल में लेते हैं, तो सबके कोर्स की ड्यूरेशन लगभग 8 से 9 महीने की होती है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि बैच की बात कर लें कि हिंदी में चलता है कि इंग्लिश में चलता है, तो इन लोग का शायद से एक बैच चलता है इंग्लिश में, यानी कि शाम वाला बैच जो चलता है शायद से इंग्लिश में चलता है, उसके बाद मॉर्निंग में बैच चलता है वो बाइलिंगुअल चलता है, यानी कि हिंदी में भी चलेगा एंड इंग्लिश, यानी कि कंबाइंड चलता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलता है वो बैच मॉर्निंग वाला। उसके बाद यहाँ पर हम जो है फीस वगैरह की बात कर लेते हैं कि फीस कितना पड़ती है, तो फीस इनकी पड़ती है 15,000 रुपये आपकी फीस पड़ेगी यदि आप इसमें एडमिशन लेते हैं इंजीनियर्स एकेडमी प्रयागराज की जो ब्रांच है यहाँ पर। तो फीस यदि जो है आप बुक्स वगैरह जैसे कि उनकी बुक्स भी आती हैं इंजीनियर्स एकेडमी की, तो यदि आप बुक्स भी लेते हैं तो आपकी फ़ीस पड़ेगी 18,000 रुपये। अदरवाइज जो है आप सिर्फ बिना बुक के लेते हैं तो आपकी 15,000 रुपये फीस पड़ेगी। हो सकता है कुछ डिस्काउंट भी हो जाए, आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आप वहाँ पर बात कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा, जैसे आपका टेक वाला पोर्शन हो गया, जैसे सिविल का अलग होता है, इलेक्ट्रिकल का अलग होता है, मैकेनिकल का अलग होता है, तो उसका जो है टेक वाला पोर्शन अलग से कराया जाएगा। उसके बाद जो नॉन टेक होते हैं, यानी कि जैसे आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, उसके बाद आपका जो भी चीज़ें होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद बायो वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, करंट हो गया, ये नॉन टेक का पोर्शन होता है, ये भी आपका कवर कराया जाएगा, यानी टेक और नॉन टेक आपका दोनों कवर कराया जाएगा। कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी 8 से 9 महीने की कोर्स की ड्यूरेशन होगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है टेस्ट वगैरह भी प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको ऑफलाइन टेस्ट भी दिया जाएगा करने के लिए, उसके बाद साथ ही साथ जो है ऑनलाइन टेस्ट भी दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आप लोग को बताया कि इस टाइम जो है आपके जो मोस्ट ऑफ एग्जाम्स होते हैं, यानी ज़्यादातर जो एग्जाम्स होते हैं वो ऑनलाइन भी होते हैं एंड जो है बहुत सारे एग्जाम जो है ऑफलाइन भी होते हैं, तो यहाँ पर दोनों सुविधा आपको दी जाएगी टेस्ट में कि आप ऑनलाइन भी जो है टेस्ट दे सकते हैं, ऑफलाइन भी टेस्ट दे सकते हैं। तो ज़्यादातर जो आप लोग का क्वेश्चन होता है फीस वगैरह को लेकर, तो आज के इस वीडियो में आप लोग का डाउट जो है क्लियर हो गया होगा कि इंजीनियर्स एकेडमी जो प्रयागराज की ब्रांच है उसमें कितना फीस लगेगा, कोर्स का ड्यूरेशन और कौन कौन से जो है यहाँ पर बैचेज चलते हैं, जैसे कि कौन कौन से ब्रांच के बैच चलते हैं, तो यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल, उसके बाद मैकेनिकल। तो आई होप दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि आपको किसी और कोचिंग के बारे में जाना है तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि हम आप लोग को जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों, यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।